हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज हम लोग लास्ट रोपा रोप रहे हैं और इस रोपा रोपने के लिए हम लोग को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग को पानी बहुत दूर से लाना पड़ रहा है। लगभग 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर होगा। और हम लोग को पानी लाने के लिए पिता का बहुत अरेंज करना पड़ा, क्योंकि इतना दूर हो जाता है कि पानी लाने में हम लोग को दिक्कत होता है। पिता अरेंज करना भी पड़ा। तो देख सकते हैं हम लोग खेत आधा जुतवा लिए हैं, क्योंकि जिसमें पानी होते जाता है उसको जुतवाते जाना पड़ता है, क्योंकि बीच बीच में करंट कट जाता है और जितना पटाए रहते हैं वो भी पानी ख़त्म हो जाता है। इसलिए हम लोग को बीच बीच में जितना पानी होते जाता है उस खेत को जुतवाते जाना पड़ता है। तो यहाँ पर नज़र आएगा हम लोग का बीड़ा। इस ये ऊपर वाला खेत में बीड़ा था तो जुतवाना था, इसीलिए हम लोग नीचे रखे हैं। फिर इस बीड़ा को हम लोग को इधर उधर लेना है सब खेत में। देख सकते हैं हम लोग का पानी पूरा ऊपर वाला खेत में अभी जा रहा है, उधर एक खेत बाकी है जुतने के लिए। तो हम लोग अभी एक खेत में पूरा पहाड़ेंगे, फिर इधर सूख गया है जुतवाने के बाद, तो इधर भी पानी थोड़ा आएगा। मैं आप लोगों को दिखा देना चाहता हूं कि हम लोग कितना दूर से पानी ला रहे हैं। तो लगभग मैं आप देख सकते हैं, यहीं से मैं दिखा देता हूं। तो यहां से आपको नज़र में आएगा पेड़ सब वहां दिख रहा है, वही नदी है। पर यहां से जाने के बाद ये 2-3 पेड़ दिख रहा है, उससे नीचे फिर वहां लगभग इतना ही दूर होता है। तो वो लगभग 1.5 किलोमीटर होगा यहाँ से। तो इतनी दूर से पानी लाने में बहुत दिक्कत होता है, क्योंकि फीता का अरेंज करना और यहाँ पानी लाने में एक मोटर काफ़ी नहीं होता है, क्योंकि बहुत दूर हो जाता है। इसलिए हम लोग को 2 मोटर लगाना पड़ता है। एक मोटर नदी से ऊपर पानी ढकेलता है, फिर एक मोटर ऊपर थोड़ा लगाए हैं, वो पानी को ढकेलने में थोड़ा मदद करता है। तो यहाँ पर आप लोगों को नज़र आएगा बीड़ा हम लोग यहाँ रखे हुए हैं उखाड़ के। तो वहाँ बीड़ा ऊपर वाला खेत में था, पर उसको जुतवाना था, इसलिए हम लोग नीचे सब बीड़ा को रखे हैं। फिर अभी सब बीड़ा को सब खेत जगह पहुंचाना है, इसलिए हम लोग अभी सुबह ही आए थे और एक खेत में पानी भी नहीं हुआ था, तो पानी भी पटाना था, इसलिए अभी पानी चलाए हुए हैं। ये बगल वाला खेत भी रुपये तो कर लिया है पानी पटा के, पर अभी एक भी पानी नहीं आया है ऊपर से, इसलिए पूरा लगभग पूरा सूख गया है खेत। यहाँ पर नज़र आएगा आप लोगों को यह खेत, इसमें पानी नहीं है अभी, तो थोड़ा थोड़ा पानी हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग इसमें पानी लगाए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 2 पाइप से पानी गिर रहा है। एक तो हम लोग लगाए हैं, उसमें 2 मशीन लगाए हैं, एक दूसरा सबका था। वो सब भी रोपा रोप रहे थे, पर उस सबका बीड़ा घट गया है, तो अभी फिलहाल अभी नहीं चलाए थे, इसलिए हम लोग उस सबका भी मशीन पे चलाए हैं। तो अभी सब मिला के 4 मशीन चल रही है, इसी से पानी आ रहा है, तो इसमें से जल्दी हो रहा है। एक ही पाइप से पानी आता तो थोड़ा समय लगता। और इसमें देख सकते हैं पूरा सूख गया है, इसमें पूरा।
और बार बार पटाने में थोड़ा और दिक्कत होता है, इसलिए अब सबको रोपने के बाद वर्षा का इंतजार है। अभी तक हम लोग खेत सबको तैयार कर रहे हैं, इसको जुतवाना है। तो फिर लगभग 10-11 बजे सब रोपने आएगा, उतना तक में ये खेत भी तैयार हो जाएगा। उतना तक हम लोग बीड़ा सबको इधर उधर कर लेते हैं। तो चलिए बने रहिए मेरे साथ इस ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग सब तरफ बीड़ा को अभी छीट लिए हैं, पूरा सब खेत तरफ पहुँचा लिए हैं, लगभग सब तरफ अभी छीट लिए भी हैं, पूरा छीट लिए हैं। और वहाँ एक खेत अभी बाकी है जुतवाने के लिए, और अभी पानी उसमें चलाए हुए हैं तो पानी होगा, तो जब तक यहाँ रोपा रोपा रहा है उतना तक में पानी पूरा भर जाएगा और हम लोग उसको जुतवा लेंगे। और यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का लेबर सब रेपर रोपने के लिए आए हुए हैं, और अभी एक खेत ख़त्म हो गया है और दूसरे खेत पर लगे हुए हैं। और अगल बगल में अभी आप देखिए पूरा रोपा रोपा गया है, पानी तो एक बार भी नहीं आया, पर अभी सभी कोई मशीन के द्वारा पानी ला रहे थे और उसी के द्वारा बहुत कठिनाइयों का सामना करते हुए सभी लोग रोपा रोप लिए हैं और सभी को ये पानी का इंतज़ार में अभी तक हैं, क्योंकि अगर पानी नहीं आएगा तो फिर खेत पूरा सूख जाएगा, फिर दिक्कत होगा। और यहाँ आप लोगों को नज़र में आ रहा है यह खेत अभी नहीं जुताया है पानी, और इसमें हम लोग अभी पानी पटा रहे हैं, लगभग पानी इसमें हो गया है। इतना तक रोपते रोपते पहुँचने तक हम लोग इसको जितवा लेंगे, फिर आज हम लोग का आखिरी रोपा है, तो इसके बाद हम लोग का रोपा ख़त्म हो जाएगा।
तो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग रोपा ख़त्म कर लिए हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स एंड मिलते हैं अगली ब्लॉग में।